नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एस बैंक के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 10-12% के आसपास ये स्टॉक शुरू से ही प्रेशर में था, जैसा कि रीजन आप सभी लोगों को पता है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर क्या है कि देखिए अभी इस स्टॉक को क्या है पैनिक में आके सेल कर देंगे, तो लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से मैं आगे डिस्कस करूंगा क्यों अभी आपको इस स्टॉक को सेल नहीं करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि कभी भी किसी की प्यास भी देखा जाए तो अगर यस बैंक की क्वांटिटी की बात करें लगभग 501,000 क्वांटिटी होती ही है, तो ऐसे भी हो सकता है कुछ इन्वेस्टर हाई लेवल पे बाइंग किया होगा तो उसको ऑरिजिन करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। आपको शेयर क्यों नहीं बेचना है उस न्यूज को हम कवर कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट, जो है कि यस बैंक के सीईओ ने बोला है दोस्तों कि अभी जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसने बोला दोस्तों? सीईओ प्रशांत कुमार टोल्ड रिपोर्टेड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो अकेले नहीं, यहाँ पे प्राइवेट लेंडर यस बैंक ऑन सैटरडे सेड इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रीजन टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अभी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे द बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर यस बैंक की बात करें तो ये जो है कि आरबीआई को भी अपॉइंट करेंगे, मतलब दोस्तों जो डिसीजन लेगी जो कि आरबीआई के ऊपर भी अभी ये छोड़ेंगे। अभी कितने का मामला है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि एडिशनल टीयर वन जो बॉन्ड्स है दोस्तों उसमें जो है कि 8400 करोड़ के आसपास जो है कि टोटल, मतलब दोस्तों ऐसे में देखा जाए तो मेरे पॉइंट से मैं अपने पॉइंट से बताना चाहता हूँ कभी यस बैंक जो है कि 8400 करोड़, मतलब जो दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है यस बैंक के लिए। यस बैंक की अगर प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो देखिए सबसे बड़ा रीजन तो पहला ये हो गया जो कि यस बैंक की गिरावट के पीछे का रीजन। सेकेंड जो है कि इनके रिजल्ट्स की बात करते हो तो कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 50 करोड़ या 52 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया। यहां पे देखेंगे दोस्तों तो द लेंडर विच वॉज अंडर द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मतलब दोस्तों जो ये बैंक है दोस्तों मतलब बहुत, मतलब क्या है कि ये पतन के कगार पे थी उस समय, जो है कि एक नया मैनेजमेंट जो है कि अपॉइंट किया गया, उसके बाद जो है कि आरबीआई ने दोस्तों जो है कि बीच में आरबीआई आती जो कि 8400 करोड़ का जो 81 ब्रांड होता है जो यहाँ पे देखा जाए तो यस बैंक, माफ़ करना एसबीआई के थ्रू जो है कि इस बैंक को बचाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं 8% के ऊपर ही इस बैंक में जो है कि गिरावट देखने को मिली। ऐसे में देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट में आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग था, मतलब दोस्तों मतलब माफ़ करना ओपनिंग था, यहाँ पे देखा 17.45 रुपये जो कंपनी ने आज के दिन लो लगाया। हाई की बात करें तो 18.60 रुपये के आसपास कंपनी का हाई है। बीच में ही देखा जाए दोस्तों तो रिसेंट में ही कंपनी ने 24-25 रुपये के आसपास हाई लगाया था जो कि 52 वीक हाई था। लो की बात करें तो 12.10 रुपये। ऐसे में दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगता है, कभी कोई भी स्टॉक अगर भागता है ना दोस्तों छोटा ब्लाइंडली स्टॉक, मतलब वो ब्लाइंडली देखते हैं, तो जो जब रैली करता है दोस्तों तो उस समय जो है कि रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि इसके जो है कि अच्छे दिन है। लेकिन दोस्तों आपसे बता जाते जब भी कोई, मतलब क्या है कि क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए जाते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन आते हैं, तभी जो है कि ये सब देखने को मिलता है, किसी स्टॉक में गिरावट होती है, किसी स्टॉक में जो है कि तेजी अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो क्वार्टर थ्री की बात करें तो 85% के आसपास एस्टिमेशन जो है कि कंपनी ने बीट नहीं किए। सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी कंपनी ने बीट नहीं किए थे, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि रैली अपने को लगभग 25 रुपये के आसपास बैंक ने रैली दिखाया था। ऐसे में दोस्तों अगर हम गिरावट की बात करते हैं तो फॉरेन ब्रोकरेज की बात करें दोस्तों तो मॉर्गन स्टैनली इस समय जो है कि इस स्टॉक का जो है कि अंडर वेटेज कर दिया, रेटिंग कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस समय उन्होंने पहले का टारगेट उनका कितना था 20 रुपये का, और रिसेंट की बात करें दोस्तों 17.50 रुपये के आसपास कर दी। भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि 12% पोस्ट क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो है कंपनी ने पेश किया, जिसके बाद देखा तो 12% जो है कि स्टॉक क्रैश हो गया। ऐसे में भी देख सकते हैं दोस्तों जो सेकेंड न्यूज़ था यहाँ पे जो है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो कि एक झटका दे दिया। उसके बाद प्रोविजनिंग की बात करें दोस्तों तो कंपनी का जो प्रोविजनिंग था इस बार जो है मतलब कहाँ 500 करोड़ और इस बार की बात करें तो कहाँ 800 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि एक मुसीबत वाला काम है दोस्तों। मतलब क्या है कि ये थोड़ा मुसीबत वाला है कि जो कि यस बैंक का कम नहीं हो रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यस बैंक यहाँ पे भी देख सकते हैं वही जो है कि प्लंज 81%, मतलब दोस्तों कंपनी का रिजल्ट जो है कि डाउन हो गया। मतलब पहले का अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा है तो प्रॉफिट कितना था 266 करोड़ का था, अभी की बात करें तो लगभग 52 करोड़, मतलब 80% कंपनी का जो रेवेन्यू था वो गायब हो गया है। माफ़ करना प्रॉफिट की बात करें तो 80% जो है कि गायब हो गया। दोस्तों तुमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, यस बैंक की हालत क्या है सारा कुछ जो है कि आपको पता ही है। मैं इस शेयर को क्यों नहीं बेचने के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखा दोस्तों तो बैंक ने हाल ही में आप देख सकते हैं 14 दिसंबर को 24.75 रुपये का हाई लगाया था। लो की बात करेंगे दोस्तों तो इस मतलब ये स्टॉक ने 30 मार्च 2022 को 12.10 रुपये का लो भी लगाया था। इसकी बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, मतलब दोस्तों आप
आपको पता है कि कभी भी किसी भी छोटे प्राइस वाले स्टॉक में ज़्यादा वैल्यूम बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि कभी न्यूज बेस वाले स्टॉक में जो है कि इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में मतलब लगातार जो है कि न्यूज कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है कि आती रहती है। तो ऐसे में इस स्टॉक में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं ज्यूरी टेस्टर ने 24 रुपये के आसपास बाइंग किया है। आप चाहे तो इस स्टॉक को जो है कि होल्ड करके चल सकते हैं। फिलहाल की बात कर सो तो इनके जो सीईओ हैं उन्होंने बोला है कि अब आरबीआई से रिलेटेड जो है जैसा हमने आपको बता दिया कि आरबीआई के पास जाएंगे, दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, मतलब ऐसे तमाम जो है कि अपने भी बचाव के लिए वो कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। जिसमें देखा जाए तो अगर हाई कोर्ट की बात कर सो तो उन्होंने भी जो है कि 6 महीने का टाइम दिया है। तो ऐसे दोस्तों हो सकता है कुछ न कुछ रास्ता निकलता है। तो जब भी हो, देखिए दोस्तों क्या है कि अभी आप हो सकता है कि आप अभी कंपनी का कितना है 52 करोड़ का जो है कि प्रॉफिट है, तो अगला क्वार्टर जो इनका आएगा दोस्तों हो सकता है कि 52 करोड़ से ज़्यादा ही आए। तो अगर 2 करोड़ 4 करोड़ या लगभग 100 करोड़ के आसपास भी कंपनी दर्ज करती है दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मतलब देखा जाए मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत लंबा जंप रहेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि इसमें एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जैसा कि बीच में न्यूज बेस पे भी जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज आए बॉन्ड से रिलेटेड, तो हो सकता है कि इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आता है तो कुछ हो सकता है अपने को कि बाउंस हो सकता है। पॉइंट दोस्तों ज्यूरी टेस्टर ने टॉप पे बाइंग किया है, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप नया बाइंग मत करिए, लेकिन पुरानी होल्डिंग को जो है कि कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अभी देखा जाए तो खुद बहुत ज़्यादा मतलब येस बैंक में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो देखा जाए मॉर्गन स्टेनली की बात करें तो वो 17 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 17.5 रुपये का। मेरी बात करें दोस्तों तो मैं इस स्टॉक को, हो सकता है कि स्टॉक 15 के आसपास ट्रेड हो सकता है, अगर दोस्तों 15 के नीचे भी आ सकता है ऐसा कुछ भी फिक्स। बैंक के लिए बहुत कुछ ज़्यादा जो है कि निगेटिव पॉइंट्स है, तो ऐसे में कुछ पॉजिटिव साइन आने के कुछ हो सकते हैं कि टाइम लग सकते हैं, जिसके कारण स्टॉक में बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टेन रह सकता है। अगर जिन्होंने भी बाइंग किया आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। जिनको फ्रेश बाइंग करना है आप चाहे दोस्तों मतलब एक वीक का तो आप चाहे तो इंतजार करके जो भी डिसीजन लेना है ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।